नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पैसा डबल करने का झांसा देकर 8 करोड़ रुपए का गबन करने वाले दो शातिर आरोपी पहुंचे वसई मणिकपुर पुलिस की गिरफ्त में। वसई के कुल 215 ग्राहकों के साथ किया गया था पैसों का गबन। वसई मणिकपुर अंतर्गत 215 से अधिक लोगों को पैसा डबल करने का लालच देकर 8 करोड़ रुपए लेकर उड़े दो आरोपियों को वसई मणिकपुर पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी क्रमांक 1 अमित कांतिलाल जैन व आरोपी क्रमांक 2 योगेश भालेराव, इन दोनों शातिर लुटेरों के नाम अभी इस कांड में सामने आए हैं। आपको बता दें, इन आरोपियों ने आज एडियो प्लस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू कर वसई विरार क्षेत्र के नागरिकों को उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किए गए पैसों पर 25 से लेकर 50% तक, मतलब सबसे हाई रेट पर ब्याज देने का लालच दिया था। शुरू में कुछ लोगों को इन शातिर आरोपियों ने उनके बताए अनुसार प्रतिशत का ब्याज दिया भी, और देखते ही देखते लोग इनके झांसे में आने शुरू हो गए और कुल 215 लोग अपने 8 करोड़ 71 लाख रुपए इन फ्रॉड आरोपी के हवाले कर दिए। इतनी बड़ी रकम हाथ में आने के बाद आरोपी दुबई फरार हो गए। अपना पैसा डुबो चुके लोगों को लूट का एहसास हुआ और उन्होंने मणिकपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया। पुलिस द्वारा मामले की छानबीन के समय अमित जैन के वसई चिंचोटी परिसर में आने की खबर मिली। वहीं दूसरा आरोपी योगेश भालेराव के गुजरात में आने की खबर मिली। तभी मणिकपुर पुलिस ने ट्रैप लगाकर एक आरोपी को कुछ दिन पहले और दूसरे आरोपी को हाल ही में हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। ऐसी भी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है कि इन आरोपियों ने ग्राहकों से लूटे हुए पैसे से वसई चिंचोटी में रो हाउस बंगलो और पुणे रेलवे स्टेशन के पास जमीन खरीदी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। यह मामला बड़े आर्थिक गुनाह के संदर्भ का होने के चलते मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की आर्थिक गुनाह शाखा को सौंप दिया गया है और आर्थिक गुनाह शाखा आगे की जाँच कर रही है। सुनिए आर्थिक गुनाह शाखा की सहायक पुलिस आयुक्त पद्माजा बड़े द्वारा मीडिया को दिया गया बयान। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। मणिकपुरी पोलीस स्टेशन, गुन्हा रजिस्टर नंबर 195/2021, कलम 420-406, MPID कायदा कलम 3 आणि 4 प्रमाणे गुन्हा दाखल होता, ज्यामध्ये अमित कांतिलाल जैन राहणार वसई नायगाव पूर्व आणि योगेश भालेराव राहणार वसई यांनी आज एडू प्लस कन्सल्टन्सी ही एक कंपनी स्थापन केली आणि गुंतवणूकदारांना 25 ते 30% तुम्हाला रिटर्न देणार या ह्याच्यावर त्यांनी बरेच पैसे गुंतवले। याच्यामध्ये 215 गुंतवणूकदारांचे जवळपास 9 कोटीच्या आसपास यांनी गुंतवणूक केली होती। तर या अनुषंगानं मणिकपूर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल झाला, त्याचा तपास पोलीस निरीक्षक पराड आर्थिक गुन्हे शाखा हे करत होते सध्या। तर त्यामध्ये अमित कांतिलाल जैन आणि योगेश विजय भालेराव हे दोघे जे आरोपी होते हे फरार होते, हे काही वेळ मुंबई काही वेळेला दुबई असं ते फिरत होते। तर त्यानंतर आम्ही कॉल डिटेल्स, कॉल लोकेशन, त्यानंतर इमिग्रेशनला दिल्ली या ठिकाणी पत्रव्यवहार केला आणि त्यानंतर असं समजलं की ह्यातला योगेश भालेराव हा दिल्ली या ठिकाणी आलेला आहे दुबईवरून आणि त्यावरून त्याचा शोध घेण्यात येत होता। अमित जैन हा चिंचोटी इथं आल्याची बातमी मिळाल्यानंतर सुरुवातीला अमित जैन याला अटक करण्यात आलं आणि त्यानंतर जो काही योगेश भालेराव हा होता तर त्याच्यासाठी सुद्धा गुप्त माहितीद्वारे असं समजलं की तो जेजुरीचा आहे, तर जेजुरी या ठिकाणी जाण्यात आलं, परंतु तो तिथं काही भेटला नाही। त्यानंतर अशी माहिती मिळाली तो उंबरगाव गुजरात या ठिकाणी आहे आणि आमची टीम गुप्त माहितीद्वारा दिलेल्या माहितीच्या आधारे उंबरगाव गुजरात या ठिकाणी गेली आणि योगेश भालेरावला ताब्यात घेतलेला आहे। या महत्त्वाच्या गुन्ह्यात हे दोघेही आरोपी अटक केलेले आहेत। यामध्ये पोलीस निरीक्षक पराड आणि आमचे पोलीस अंमलदार संभाजी कदम यांनी चांगली कामगिरी केलेली आहे। या सगळ्या गुन्ह्यांमध्ये पोलीस आयुक्त सर आणि माननीय पोलीस उपायुक्त गुन्हे शाखा यांनी खूप मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि आमच्या अंमलदारांनी खूप चांगली कामगिरी केलेली आहे। ह्याच्यामध्ये अजून आरोपीचा समावेश होऊ शकतो का? मला वाटतं ह्याच्यामध्ये आता आणखी आरोपींचा समावेश नाही आहे। सुरुवातीचा जो एक महत्त्वाचा यांचा जो मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून ज्याला दिलेलं होतं त्यांना स्वतःहून अँटीसिपेटरी बेल घेतलेली आणि हे दोन महत्त्वाचे आरोपी होते ते आता अटक झालेले आहेत। सदर गुन्ह्यामध्ये आम्ही चिंचोटी गावामध्ये अमित जैन याचा जो 50 लाखाचा जो फ्लॅट आहे तो जप्त आणि संरक्षित केलेला आहे आणि तसंच योगेश भालेराव यांना जेजुरी रेल्वे स्टेशनजवळ एक गुंड्याची जागा जवळजवळ 12 लाखाची आहे
तीही या गुन्ह्याकामी संरक्षित जप्त करण्यात आलेली आहे। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।